आध्यात्मिकता और आत्मीयता भारतवर्ष की इस भूमि के दो प्रमुख आभूषण रहे हैं, जिसके साथ हमने अपने जीवन काल के सफर को अनंत स्तर के साथ में तय करने का कार्य किया है। आध्यात्मिकता जहां मन के भीतर उतरने का एक साधन और गहराई के साथ स्थितियों को समझने का एक माध्यम मात्र है, तो वहीं पे आत्मीयता के साथ हमने प्रत्येक व्यक्ति विशेष के साथ में खुद को जोड़ने का कार्य किया और वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और गहराई से समाहित करते चले गए। आज हम दैनिक राशिफल के इस कार्यक्रम में थोड़ी सी देरी से उपस्थित हुए, वजह वही अनंत घोष अनंत नाथ था, जिसको हम सभी ने पूरी सकारात्मक ऊर्जा के साथ में महसूस किया और मन के भीतर बार बार यही भाव जागृत हो रहे थे कि व्यक्ति अपने मन के भीतर की संकल्प सिद्धि को बाहर लाकर प्रस्फुटित करता है तो ऊर्जा के अनंत घोष के साथ में चलता है और वहीं से शत्रु भले ही सामने कैसा भी हो, कोई भी स्वरूप में हो, विकराल से विकराल अर्थ लिए हो, किंतु उसको हराया जा सकता है। मानवीयता में वो ताकत है और आज हम सभी उसी एक स्तर के साथ में मौजूद थे, जिसको हमने महसूस किया। ये चेतनता लगातार विकसित करके धैर्य के साथ में चलने की आवश्यकताएं हम सभी को है। हम यहाँ 23 मार्च 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर और उपस्थित हैं। सोमवार रहेगा तो वहीं पे चंद्रमा आज संध्या अंतराल तक कुंभ राशि में, उसके बाद में मीन राशि में प्रवेश करने वाले होंगे। यहाँ चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है तो वहीं कृष्ण पक्ष अपनी पूर्णाहुत स्थितियों के साथ में अग्रसर है। पूर्वा भाद्र पद नक्षत्र की परिधियां रहेंगी। चंद्रमा मेष राशि के लिए एकादश भाव में विराजमान है। सर्वप्रथम कामकाजी जीवन के साथ में चलते हुए अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या फिर कोई भी एक तरह से नए पोजीशन की प्लानिंग कर रहे हैं, आपको आगे जाकर परिवर्तन की ओर जाना है नौकरी पेशा जीवन में, तो आप यहां प्रिपरेशन करने वाले बहुत अच्छे से हो सकते हैं। लंबे समय से आपके सब्जेक्ट की यानी कि नौकरी पेशा जीवन के भीतर एक्सपर्टीज हासिल करने की स्टडीज अटकी हुई थी, उसकी शुरुआत भी यहां पर की जा सकती है। तो वहीं संतान पक्ष के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। जो चिंताएं उनके साथ में जुड़कर बनी हुई थी वो भी धीरे धीरे दूर हटती हुई यहां पर दिखाई देंगी, जो एक तरह से परोक्ष रूप से धन लाभ की सूचनाएं हमारे लिए आती है। जो कामकाजी जीवन में हमने पहले कोई भी स्तर विकसित किया था वो आज नए लेवल की सूचनाएं आपके समक्ष लाने का कार्य कर सकता है। स्वास्थ्य संबंधी स्तर पर जोड़ों के दर्द की शिकायत थोड़ा बहुत आपको डिस्टर्ब कर सकती है, उससे सावधान रहने का प्रयास करें। तो वहीं गृहस्थ पक्ष के साथ में अच्छा समय आज भी बीतता हुआ दिखाई दे रहा है। वृषभ राशि, यहां आजीविका के जो माध्यम आपने पहले विकसित किए थे उस पर थोड़ा सा और कार्य करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये, प्रबंधन में खुद की स्थितियों को अगर आप री एनालाइज करना चाहते हैं, मैनेजमेंट या किसी भी फील्ड के साथ में जुड़े हुए हैं, क्या खामियां हमारी खुद की है और उस पर कैसे कार्य किया जा सकता है, ये जो समय अंतराल मिला है यहां पर उस कार्य को दोहराया बहुत अच्छे से जा सकता है। इस बात को आप स्मृतियों में रखिएगा, तो वहीं पर इच्छा शक्ति की कहीं पर भी कमी नहीं है। कोई भी आप नई शुरुआत प्लानिंग के साथ में करना चाहते हैं उसको एग्जीक्यूशन की ओर भले ही बाद में लेकर जाएं, किंतु एक जो शुरुआत करनी होती है उस लिहाजा ये दिन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। विदेशों में अगर आप रह रहे थे और कोई भी चिंता की स्थितियां बनी हुई थी, आज उस चिंता से मुक्त होकर आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। दशम भाव में चंद्रमा विराजमान, कोई भी ऐसा कामकाज जो कि हमारे घर परिवार की स्थितियों के साथ में जुड़ा हो, जहां पर उन सबके ही रायशुमारी की आवश्यकता हो, ये एक मौका है, आप वहां पर भी अपनी पोजीशंस को रख के एक बेटरमेंट की ओर जाने का कार्य कर सकते हैं। मिथुन राशि, भाग्य का अपेक्षित सहयोग मिला हुआ है। अगर आप किसी भी लव लाइफ जैसे पोजीशंस के अंदर चल रहे थे, कोई रिलेशन डेवलप किया था उसको अपने परिवार के सामने रखना चाहते हैं और बहुत ही सरलता के साथ में मान मनोबल की ओर जाना चाहते हैं, ये दिन आपके लिए सपोर्टिव रहेगा। पराक्रम में वृद्धि है। कोई भी आउटसोर्सिंग संबंधी कामकाज या वर्क फ्रॉम होम की जो पोजीशंस के साथ में आप चल रहे थे, ये दिन वहां सफलता लेकर आने वाला रहेगा आपके लिए। भाइयों और मित्रों के साथ में जो एक तरह से संबंध होने चाहिए उसमें भी प्रगाढ़ता स्थापित होती हुई दिखाई दे रही है। मन के भीतर जो भी संशय चल रहे थे या जो भी दावानल की स्थितियां चल रही थी, एक उहापोह चल रही थी, उससे मुक्त होकर भी आप निरंतर तौर पर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। उच्च शिक्षा की स्थितियों में कोई भी नई प्लानिंग आप करना चाहते हैं, यहां पर उस और भी आप जा सकते हैं। नौकरी पेशा जीवन को संतुलित करके शिक्षा की ओर आप जा रहे थे और शिक्षा पे पूरा ध्यान नहीं लगा पा रहे थे, ये दिवस विशेष आपके लिए एक बेटरमेंट को लेकर आने वाला रहेगा।
संतान पक्ष के साथ में और गृहस्थ जीवन के साथ में किसी भी तरीके के रूखेपन या अनबन की स्थितियों से बचकर चलने का प्रयास आपको यहां करना चाहिए। कर्क राशि, यहां मैं ही सही हूं कि जो पोजीशंस होती है कई बार उससे जितना दूर रहते हैं हम उतनी ही ज्यादा बेहतरी रहने वाली रहेगी। रिसर्च संबंधी किसी भी कामकाज के साथ में आपका हस्तक्षेप और जुड़ाव है तो यहां और डीपर सेंसेस के अंदर आप स्थितियों को खोजबीन करके अन्वेषण करके लेकर चलने वाले रहेंगे ही रहेंगे, इसमें कोई भी दुराई नहीं दिखाई देती। तो वहीं पर जो धनागमन के संसाधन विकसित होने चाहिए वहां पर भी आपके लिए सकारात्मक संदेश मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वाणी पर बहुत अच्छे से आपका प्रभाव नहीं था, यानी कि जो कम्युनिकेशन की स्किल होती है उसको सुधारने के लिए आप प्रयासरत थे, सेल्फ एनालिसिस की तरफ जाना चाह रहे थे, ये दिन आपके लिए वहां पर एक पॉजिटिव अप्रोच को बनाने वाला रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। सिंह राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखें कि व्यापारिक जीवन के साथ में जो कई बार हमको कुछ चेंजेस करने होते हैं और जिसकी रूपरेखा तैयार करनी होती है, पेपर पेन अप्रोच के साथ में जिसको लेकर चलना होता है, आज उस ओर चलने का आप कार्य कर सकते हैं। व्यापारिक जीवन के साथ में लंबे समय के साथ जुड़ी हुई कुछ बेहतर सूचनाएं आपके समक्ष आने का कार्य कर सकती है, इसमें कोई भी डिस्टर्ब करने वाली पोजिशन नहीं। वहीं विश्वास और आत्मविश्वास के साथ में चलते हुए आप कई नई स्थितियों के साथ में पार पाने वाले रहेंगे, जहां पर भी संशय थे वो अब लगातार दूर होते हुए आपके लिए यहां दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी स्तर का जरूर ध्यान रखें, वहीं बदलते मौसम के साथ में खुद के खान पान को भी परिवर्तित करने की आवश्यकताएं आपके लिए रहेंगी। रचनात्मक क्षेत्र विशेष या फिर किसी भी कलम संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव है, कई बार जो एकांत की स्थितियां व्यक्ति विशेष को मिलती है वो नए लेवल की ओर लेकर जाने वाली होती है। मन के भीतर ऐसे भाव प्रस्फुटित होते हुए दिखाई देते हैं जो कलम में रूपांतरित होकर अमृतत्व को प्राप्त करते हैं, ऐसी स्थितियां आज आपके समक्ष हैं जिसका जरूर आप फायदा उठाएं। माता पिता के साथ में अच्छा समय बीतता हुआ दिखाई दे रहा है तो कई जो एक तरह से अनसुलझे हुई स्थितियां थी वो सुलझने की ओर और नवस्पंदन की ओर जाने का कार्य बेहद आसानी के साथ में कर सकती है। कन्या राशि, सर्वप्रथम यहां पर आप देखें कि जो रोग संबंधी स्थितियां लंबे समय से आपको सता रही थी, जो अंकुश उस हिसाब से आपके लिए लगा हुआ था वहां से थोड़ा सा मुक्त होते हुए आप देख पाएंगे खुद को, यानी कि जो खानपान पर नियंत्रण था, दूसरी पोजीशंस के अंदर जो एक नेगेटिविटी बनी हुई थी उससे आजाद होकर आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे, एक स्तरीय बात तो ये। तो वहीं दूसरे लेवल पर आप देखिएगा कि व्यय के ऊपर यहां नियंत्रण स्थापित रखना आपके लिए मुश्किल रहेगा, कई ऐसे एक्सपेंसेस निकल कर आ सकते हैं जो कि रोजमर्रा की जरूरतों के साथ में जुड़े होते हैं और जिसकी नेसेसिटी बहुत ज्यादा होती है, उसमें एग्जिजुरेशन से आप बचकर चलिएगा। जो शत्रु परेशान कर रहे थे वहां पर भी संभावित नियंत्रण लगता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है, कहीं भी कोई नेगेटिविटी नहीं है। शिक्षा संबंधी स्थितियों के अंदर लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन परेशान कर सकता है तो उस ओर आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। तुला राशि, पंचमस्थ चंद्रमा है तो इसी वजह से एजुकेशन की पोजीशंस के अंदर कोई भी नयापन आप लेकर आना चाहते हैं उस ओर बढ़ सकते हैं। शिक्षा की व्यवसायिक गतिविधियों को टेक्नोलॉजी के साथ में जोड़ना और उसी आधार पर आगे बढ़ाना ये आज का एक अलग मार्ग प्रशस्त करने वाला साधन मात्र रहेगा। अपने कामकाज के बारे में चिंतन करना और उसमें से ही कुछ नए विचार निकाल कर लेके आना जो आगे आने वाले समय के अंदर बेनिफिट दे, ऐसे प्लानिंग आप करने वाले हो सकते हैं। क्षमताओं के भीतर यहां वृद्धि रहेगी, अपनी ऊर्जा को सकारात्मक तौर के ऊपर चिंतन में लगाइएगा जिससे कि बेटरमेंट है। तो वहीं जो रिश्ते कहीं ना कहीं तलखियों के साथ में अग्रसर थे जिसका सॉल्यूशन हमको नहीं मिल पा रहा था, यहां पर एक पॉजिटिव फील आप बहुत अच्छे तरीके से करते चले जाएंगे, कोई भी नेगेटिविटी नहीं है। गृहस्थ जीवन के साथ में बढ़ते हुए ये दिन आपके लिए सकारात्मक संदेशों को लेकर आने वाला रहेगा, ये ध्यान रखें आप। किसी भी तरीके की नेसेसरी ट्रेवलिंग है और उसके भीतर अगर हमको लगता है कि ये प्रिसाइज वे आउट है जिस ओर जाया जा सकता है तब भी आप उस ओर बढ़ें, अन्यथा उस पोजीशंस के साथ में नहीं चलें तो बेहतर है।
वृश्चिक राशि, अज्ञात भय की स्थितियां परेशान कर सकती है, उससे बचकर चलने का हम यहां निरंतर प्रयास करें। जो हमने आज के दिन के लिए खुद के लिए छोटे छोटे लक्ष्य निर्धारित किए थे, उन पर और ज्यादा विचारशील होकर चलने का हमको प्रयास करना चाहिए। किसी भी नई पुस्तक को पढ़ने की शुरुआत आप करना चाहते हैं कर सकते हैं, और जो हमारे घर परिवार के व्यक्ति होते हैं जिनसे अनुभव लेकर आगे बढ़ना होता है, उस लिहाजा भी इस दिन को आपके लिए काफी हद तक पॉजिटिव कहा जा सकता है। भूमि संबंधित कोई भी सौदेबाजी जो लंबे समय से अटकी हुई थी, जिसके बारे में घर परिवार के साथ में एक राय शुमारी करके चलना है, उस लिहाजा भी यह दिन आपके लिए बहुत ज्यादा बेहतर बना हुआ है। धनु राशि, पराक्रम में वृद्धि रहेगी, तो वहीं पर जो एक तरह से वर्क फ्रॉम होम की पोजीशन, टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़ा हुआ कोई भी कामकाज या मेडिकल फील्ड के साथ में आप जुड़े हुए हैं, भागदौड़ बनी रह सकती है। मानसिक सोच का खर्च आपके लिए बहुत ज्यादा यहां पर रहेगा। आध्यात्मिक चिंतन विकसित हो सकता है, जिससे कि जीवन एक नई दिशा और नव आनंद को लेता हुआ दिखाई देता है और व्यक्ति उसको बहुत अच्छे से महसूस भी कर पाता है। अगर आप कोई भी फैशन टेक्नोलॉजी संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ाव रखते हैं, इनोवेशन की स्थितियां खटखटाहट के साथ में है, उसको महसूस कीजिएगा और अपने कामकाज में रूपांतरित करने का प्रयास करते चले जाइएगा। शिक्षा संबंधी स्तर पर एकाग्रता बहुत अच्छे से यहां बनी हुई है। मकर राशि, धन भाव की स्थितियों के साथ में चंद्रमा है, तो इसी वजह से एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन आपकी आमद के अंदर दिखाई देंगे। अज्ञात भय और जो ब्लॉकेजेस कामकाज में बने हुए थे, वो धीरे धीरे अब आपके लिए दूर हटते हुए यहां पर सामने आ रहे हैं। मेटल संबंधी कोई भी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, नए सौदेबाजी को करने से यहां आपको तीव्रगामी स्तर पर रुकने का प्रयास निरंतर तौर पर करना चाहिए। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़े हुए महानुभावों के लिए इस दिन को काफी हद तक अच्छा कहा जा सकता है। वाणी पर नियंत्रण जो आपने इतने दिनों से लगा रखा था, उससे थोड़ा सा मुक्त होकर अपनी बात को उन्मुक्त कंठ के साथ में रखने का प्रयास जरूर करें। जो भी महानुभाव संगीत विधा के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये रियाज करने के लिहाजा, एक्सपर्टीज हासिल करने के लिहाजा बहुत बेहतर समय कहा जा सकता है। कुंभ राशि, स्वराशि भाव के चंद्रमा जब विराजमान हो, तो व्यक्ति के भीतर आत्मविश्वास और दूसरे लोगों को मोटिवेट करके चलने की जो एक तरह से शक्ति होती है, वो बहुत अच्छे तरीके से निकल कर आती है। व्यापारिक कमिटमेंट कोई भी लॉन्गर टर्म के अप्रोच में करना है, आज उससे आपको बचना चाहिए। गृहस्थ जीवन का मोटिवेशन लगातार बना रहेगा, तो वहीं पे किसी भी नई आइडियोलॉजी पर वर्क करके आप बढ़ना चाहते हैं, उस स्तर पर भी ये दिन आपके लिए बहुत बेहतर कहा जा सकता है। रिस्क कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ में आप नौकरी पेशा जीवन के साथ व्यापार की प्लानिंग कर रहे हैं और उसका एक स्टेप अहेड आपको लेना है, उस स्तर पर भी ये दिन आपके लिए बेटर कहा जा सकता है। मीन राशि, द्वादश के चंद्रमा है और संध्या अंतराल तक यही पोजिशंस रहेंगी। कोई भी महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय आपको यहां औचक रूप में लेने से बचने का प्रयास करना चाहिए। प्रथम दृष्टिगोचर स्थिति ये, तो वहीं पर रोग संबंधी स्थितियों का ख्याल रखकर चलिएगा। आकस्मिक धन लाभ की फैसिनेशन से जितना बचते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा है। व्यवहार में रूखेपन की स्थितियां नहीं आए, तो अज्ञात भय कहीं पर भी हावी नहीं होने पाए, ये दो मूल मंत्र आपको लेकर चलने चाहिए। तो ये था 23 मार्च 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ में समय दर समय हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और हृदय से आभार।